अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स किचन में हम आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन मसाला बोटी की रेसिपी, जो आपको बहुत पसंद आएगी और बनाने में तो बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चिकन मसाला बोटी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है पहले वो देख लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन, ये बोनलेस चिकन है जिसे हमने क्यूब्स में काट लिया है। 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 चाय का चम्मच लेमन जूस, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच टमाटो प्यूरी, 1/2 कप दही। मसालों में हमने लिया है नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला पाउडर और हल्दी 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है 1 खाने का चम्मच और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें हमने 1 अदद हरी मिर्च को इसमें डाल के पीस लिया है। सबसे पहले एक बाउल में हम चिकन डालेंगे, इसके साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली जो डाल के हमने पीसा था वो डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें तमाम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तमाम ड्राई मसाले डालने के बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले जो हैं वो तमाम चिकन पे कोट हो जाएं। मसाले लगाकर हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। इससे जो है वो नमक मिर्च मसालों का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर तक चला जाता है। फिर एक कढ़ाही में हम ऑयल शामिल करेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब ज़ीरा भून जाए और खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे। टमाटो प्यूरी भी डालने के बाद हम इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसमें भूनेंगे। अगर आपको इस जगह पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, और टमाटो प्यूरी अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप टमाटो पेस्ट भी यूज़ कर सकती हैं। फिर इसमें हम अपना चिकन जो है वो डालेंगे, जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। चिकन को डालने के बाद हम अच्छे से भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत कम ऑयल में बन रही है हमारी चिकन मसाला बोटी। इसको हमने दरमियानी आंच पे पकाना है, और हमने इसको इतना पकाना है कि जो इसका पानी है चिकन का वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। ये चिकन अपने ही पानी में जो है ना वो गल जाएगा, इसमें हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
चिकन अच्छे से भून जाए और पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो जाए और इस पर अच्छा सा कलर आ जाए, तो इसमें हम दही शामिल करेंगे। जब चिकन अच्छे से भून जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए और इस पर अच्छा सा कलर आ जाए, तो हम इसमें अब दही शामिल कर लेंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हम आग को तेज़ कर देंगे आंच को, ताकि दही जो पानी छोड़ेगा वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा। तो कि मैं ये 5 मिनट में जो है वो दही का पानी खुश्क हो जाएगा, इसको हम 5 मिनट के लिए तेज़ आँच पर पकाएँगे। पाँच मिनट के बाद देखें हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है और बहुत ही मज़ेदार बना है। लीजिए, हमारा चिकन मसाला बोटी बनके तैयार है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। नान के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।